टीवी है, टी न्यूज लाइव, खबर है तो दिखेगी जरूर। आज हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री शंकर लाल लोधी जी। आइए करते हैं इनसे बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि देखा गया है कि पिछले कई दिनों से आपने उन्नाव का प्रभार भी संभाला और हरदोई का प्रभार भी संभाला, और जहां जहां भी आपको पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई आपने वहां बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी चुनौतियां मानते हैं आप? देखिए, हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने इतनी योजनाएं जनहितकारी योजनाएं जनहित पर ला के डाल दी है कि जनता इतना ओबलाइज्ड है, जनता इतना प्रसन्न है कि वो प्रचार कर रही है और जनता प्रचार कर रही है हमारा काम। आपका हाथ आ रहा है, हमें हमारे संगठन, हमारा मैनेजमेंट, हमारा संगठन है वो अपना इन योजनाओं को याद दिलाता है और याद आने पर जनता हमारे साथ खड़ी होती है और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ हमें सफलता इसीलिए मिलती है। सर, एक बार जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति का बड़ा जोर चल रहा है, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो वैसी जी हो या आम आदमी पार्टी हो, तो ऐसे में आप लोगों के लिए क्या चुनौती है ये गठबंधन? देखिए, एक बात तो मैं गठबंधन के बारे में आपसे कह दूँ कि अभी कोरोना कालखंड आया था, जब जब चुनाव आता है ये गठबंधन करने के लिए तमाम पार्टियाँ इकट्ठे हो जाती हैं, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं। सर, ये कभी भी जनता जनहित के लिए कभी निकल के नहीं आया कि हम देश के साथ हैं, देश का संकट है उसके साथ हैं या नागरिकों को कष्ट है उनके साथ हैं। जब सरकार आती है तो मोदी जी को हटाने के लिए गठबंधन हो जाता है, योगी जी को हटाने के लिए गठबंधन हो जाता है और ये गठबंधन का खड़बंधन हो जाएगा थोड़े दिन बाद, ये कहीं कुछ टिकाने वाला नहीं। ओवैसी को कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं अपने उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, ओवैसी वो कट्टर हैं और वो निश्चित रूप से अगर चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे तो कांग्रेस जो 22 में बाइसिकल की बात कर रही है, तो सपा जो 22 में बाइसिकल की बात कर रही है तो 47 से 22 पे आ जाएगी, क्योंकि सपा का नुकसान करेंगे, हमारा कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा ही फायदा होगा। अच्छा, राजभर जी ने जो ये एक फॉर्मूला दिया है कि हर साल एक नया मुख्यमंत्री होगा और उसमें अल्पसंख्यक समाज का भी एक मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व मिलेगा और चार चार उप मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी इस तरह की जो लुभावने बोल हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई देखिए, ऐसा मुंगेरी लाल के सपने हसीन सपने दिखाने का उन्होंने सिलीफा छोड़ा है। राजनीति है, लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री होगा, वो जिम्मेदारी के साथ जनता की सेवा करेगा, हर महीने हर 6 महीने में एक मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम, चार चार डिप्टी सीएम बनाने का ही ये माहौल बना रखा है। इनको तो राजनीति की समझ नहीं है और इनको संविधान और प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं है। ये केवल जनता को लुभाने के लिए जितने मुख्यमंत्री बना देंगे सबको मुख्यमंत्री, इनका बस चले तो सबको मुख्यमंत्री बना दें। इनको ये समझ नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए, जो शासन की व्यवस्था देखने के लिए एक मुखिया बनाया जाता है, तो शासन की व्यवस्था चलाता है। अब ये सबको बांट देंगे, रोगी की तरह बांट देंगे, तमाम लोगों को लुभा रहे हैं और तमाम जो नासमझ लोग हैं उनके लुभावने में आ रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने कभी साकार होने वाले नहीं, और ना इनके ओवैसी के और ना ही राजभर के, किसी का ये सपने साकार होने वाले नहीं। अच्छा सर, आपकी पार्टी के बारे में जो मौजूदा जिला पंचायत चुनाव हुए थे या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, तो उसमें सपा सुप्रीमो ने काफ़ी इल्ज़ाम लगाया आप लोगों के ऊपर कि ये पार्टी ने चुनाव नहीं लड़े, ये प्रशासन ने चुनाव लड़े हैं, उनके इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम बात करें अगर हम अवध क्षेत्र के प्रभारी थे, तमाम सीटें हमारी 1 वोट से हारी हैं, 2 वोट से हारी हैं, 3 वोट से हारी हैं। अगर प्रशासन लड़ा होता तो ये स्थितियाँ ना आती और हमारे बागी खड़े हुए वो जीते हैं, हमारे साथ हमारे बागी हमारे जीते हैं, हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन 1 वोट से हारी हुई सीट अगर प्रशासन लड़ा होता तो वो सीट हम क्यों हारते? आपने अपनी हारने वाली सीट का जिक्र कर दिया, पर जो सीटें आप निर्विरोध जीते हैं उनके बारे में कैसे क्या कहेंगे? निर्विरोध सीटें इसलिए जीते हैं कि हमारा वहाँ पर विरोध नहीं था, हमने तो प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया, तमाम जगह पर इनके पास वो समर्थक नहीं थे, इनके पास प्रस्तावक नहीं थे, जो खड़े नहीं हुए इनके साथ, तो हमें निर्विरोध होना ही था। हमारे दल के प्रत्याशी आए और खड़े हुए और इनको समर्थक प्रस्तावक तक नहीं मिले, तो मजबूरी है, ये तो लोकतंत्र में है कि अगर कोई खड़ा नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा तो निर्विरोध होगा। नहीं, प्रस्तावक जो एक महिला प्रस्तावक थी समाजवादी पार्टी की, लखीमपुर खीरी में कल सोनिया और प्रियंका गांधी उससे मिलने गई हैं, उनको बताते हैं प्रशासन द्वारा उनको जाने नहीं दिया गया, तो ऐसे जो छोटी छोटी वारदातें हुई उनको कैसे देखते हैं? ये गलत है, ये गलत है, प्रशासन ने कहीं कोई रोक टोक नहीं की, ये उनकी अपने कुछ लोगों का विवाद जिससे रहा होगा वो विषय दूसरा है, लेकिन प्रशासन ने कहीं कोई रोक टोक नहीं की। कल प्रियंका गांधी गई थी उनसे मिलने और क्षेत्र में लखनऊ में अब काफ़ी वो दौड़भाग कर रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? प्रियंका जी तो अपना राजनीतिक टूर पर हैं, यहाँ आई थी, टूर करके चली जाएंगी, 1.5 साल बाद आई थी, कोरोना काल आया, उत्तर प्रदेश पूरा हाहाकार मचा था और उसको हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना ग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने हर मंडल पर जाकर के, हर जिले पर जाकर के उन व्यवस्थाओं को देखा, संभाला और संभाल लिया।
कि सोनिया प्रियंका केवल ट्विटर पर ट्वीटिंग करते हैं, बाकी ये जमीन पर नहीं है। अब आए हैं, जब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है तो राजनीति करने आ गए। ये तो ये राजनीतिक टूर पे आए हैं और फिर चले जाएंगे, 22 तक दोबारा लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जो अभी संजय सिंह अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए हैं, उसके विषय में आप उसको कैसे देखते हैं? ये सब अवसरवादी लोग हैं जिनको एक साथ जब बारिश होती है और जब भीगते हैं और बाढ़ आती है, छप्पर पर कभी कभी सांप नेवला और साथ साथ में बकरी और शेर अपनी जान बचाने के लिए बैठते हैं। ये वो हाल है कि एक छप्पर पर बैठे हैं, राजनीति आई है, इनको डर लग रहा है कि योगी आएगा और फिर इनकी कुछ नहीं चलेगी, इसलिए सब डर के हमारे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि ये कुछ कहीं कुछ बिगड़ने वाले हैं। हम पूरे बहुमत से जो हमारा रिकॉर्ड था 325 को, इससे बढ़ करके 350 सीटों तक हम आएंगे। ये हमारा हमारे लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। ऐसी सोच है पार्टी ने और इसकी जमकर व्यवस्था कर ली है। नीचे हमारा संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक हम इसको ठीक कर रहे हैं और जनता बोल रही है मोदी आएगा, योगी आएगा, मोदी योगी ने इतना काम कर दिया है, ये कहीं टिकते नहीं। क्या 22 में आप भी कुछ इतनी छोटी पार्टियों से गठबंधन करने की सोच रहे हैं? कोई गठबंधन नहीं, हमारे साथ जो हमारे एलआई थे वही रहेंगे, बाकी किसी से कोई हम ना संपर्क कर रहे हैं और ना ही किसी के साथ एलायंस। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। 2022 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश में और वैश्विक महामारी आई और वैश्विक महामारी को मोदी जी ने दोनों लहरों में पूरी दम से लड़ करके और कोरोना को परास्त किया है। तीसरी लहर की हमारी तैयारी है, पूरे देश में पूरी तैयारी है। देश की जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है, संयम और सहयोग से काम लेना है। जो दो गज दूरी मास्क जरूरी है, इस संकल्प के साथ बच के रहें, अपनों को बचाएं, और हम बच के रहेंगे, हम ठीक रहेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी हम देश की सेवा करना चाहते हैं, पार्टी हमारी सेवा ही संगठन है, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है और हम सत्ता में रह कर के हमने सेवा की है और ये बात के लिए जनता जान रही है। हम सेवा करते रहेंगे इसी तरह से और सत्ता में रह कर के सेवा करने का जो बना है, हम सत्ता में रहेंगे और सेवा करेंगे। हमने मकान दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, गैस चूल्हा दिया, बीमार हुआ खाना दिया, जो गरीब को खाना दिया और बीमार हुआ तो इलाज दिया, सब फ्री दे रहे हैं। तो ऐसा रामराज की संकल्पना पर काम कर रहे हैं, ऐसा जो भविष्य खड़ा हो रहा है, देश खुशहाल हो रहा है, निश्चित रूप से हम बढ़ेंगे और हमारी पार्टी निरंतर लगातार सत्ता में बनी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स को आप लोग फॉलो करें और देखते रहिए TV18 न्यूज़ लाइव। मैं मानव राजवेंद्र, कैमरामैन अपोज के साथ।